नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो कल के लिए मतलब आज के लिए 5/5/2020 मतलब 5 मई 2020 के लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स का बाय सेल लेवल्स दिखाऊंगा, बहुत सारा बाय सेल लेवल्स दिखाऊंगा। उसके बाद 100 EMA स्ट्रेटेजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन ये सब दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आप लोग को बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप लोग को ये नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेगा। तो बेल आइकन दबाएंगे तो आप लोग को जितना सारा मैंने वीडियोस लोड करूँगा तो इसका आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये आप लोग को इसको मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और वो आप लोग को स्टॉक मार्केट में लाइव मार्केट में काम करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद मैंने लाइव डेमो ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स बाय मेरा बाय सेल लेवल और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का डेमो दिखाता हूँ लाइव मार्केट में आप लोगों को। स्ट्रेट मतलब बाय सेल लेवल दिखा के दिखाता हूँ, पेयर ट्रेडिंग का भी दिखाता हूँ, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। वो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोग इसको मैंने इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग शेड्यूल रखा है, उसमें आप लोगों को देखने के लिए मतलब ट्रेनिंग आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। जो ट्रेनिंग देने के लिए आप लोग को 50,000 60,000 या 1,00,000 का रुपये लग सकता है, तो वो मैंने बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में रखा हूँ। वो भी आप लोग ऑप्ट कर सकता है। मैंने कॉल सर्विस भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में रखा हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी अपना के आप लोग बहुत ही आसानी से उसको प्रैक्टिस करके आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। इसके अलावा बहुत सारा इन एडुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज बहुत सारा वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोज़ का लिंक दिया है, वो वीडियोज़ आप लोग जरूर देखिएगा, मस्ट देखिएगा, क्योंकि आप लोग को वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वो आप लोग को बहुत ही जो वीडियोस है उसका लिंक आप लोग को दिया गया है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मेरे को जो सोशल लिंक्स वगैरह है ट्विटर में, मेरे को ट्विटर फेसबुक पेज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सब में जरूर फॉलो कीजिएगा। तो इसमें आप लोग को बहुत सारा नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन उधर मैंने रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता हूँ, वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो बाय सेल लेवल्स कम स्किनर है, इसमें क्या क्या है वो भी आप लोग को उसमें देखने के लिए मिल जाएगा, वो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग ठीक से ध्यान से पूरे आप लोग फॉलो कीजिए, तो ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारा चीज़ उसमें है, वो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सके, किसी दिन फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि ये फाइल मैंने पूरा शेयर करता हूँ। और जो कॉल सर्विस लेंगे इसको उन लोग को ये फाइल पूरा एंड ऑफ द डे शेयर करूँगा। वो लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा, मेरा लाइव डेमो देख सकता है उसमें मैं कैसे टाइम मैंने अपडेट करके कैसे इसका लेवल निकलता हूँ और कैसे वो अच्छी तरह से लेवल्स मैच करता है और प्रॉफिट देता है, वो अभी आप लोग देख सकता है। पेयर ट्रेडिंग इक्विटी फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने देता हूँ, जो लोग कमोडिटी में चाहता है वो भी आप लोग को दिखा दूंगा, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। कोई भी सेगमेंट में आप लोग एक दिन के लाइव डेमो देखना चाहता है तो आप लोग को दिखा दूंगा, एकदम अच्छी तरह से दिखा दूंगा, तो उसमें आप लोग को बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो और व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, ताकि वो देखने के बाद ही आप लोग को ये वीडियो समझ में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये मैंने बहुत सारा बाय सेल लेवल्स दिखाता हूँ, आप लोग कोई भी बाय सेल लेवल में काम कर सकता है। जो लेवल में नहीं आएगा तो लेवल आने के बाद प्रॉफिट नहीं आएगा तो, और आप लोग ठीक से मतलब गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर करके आप लोग ट्रेड में एंट्री लेंगे तो आप लोग को जो उसके बाद भी फिर से आप लोग को नहीं आएगा तो प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो आप लोग को मेरे को ज़रूर बताएगा।
और ये बाइसेल लेवल 1 है बाइसेल, और जब मैंने और एक काम कर सकता है कि दूसरा बाइसेल लेवल में कौन सा नज़दीक होता है, सभी लेवल कंपेयर करके सोच लीजिए, ये 627 दिखा रहा है, किसी लेवल 629 दिखा रहा है, किसी लेवल पे 625 दिखा रहा है, तो जो नज़दीक वाला है वो देख रहा है, और किसी लेवल पे 630 दिखा रहा है, तो जो 627 से 625 इसका अंदर जो रहेगा उसमें आप लोगों को मतलब ट्रेड कर सकता है। मैंने ऐसा प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप लोग कोई भी एक लेवल काम एक सेट ऑफ लेवल में काम कर सकता है, नहीं तो ये कर सकता है, तो इसलिए बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ। एनीवे तो बाई का बाइसेल लेवल 1 का बाइसेल लेवल 1 में बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है, सेल का भी ऐसा है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। मैंने थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, थोड़ा सा बहुत ही देर हो गया है इसीलिए, और इसमें और गैप अप गैप डाउन को आप लोगों को कंसीडर कर लेना है। ये है इसके बाद ये है बाइसेल लेवल 2, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग देख सकता है कितना इंडिकेटर्स भी लगा हुआ है। इसके बाद आएगा बाइसेल लेवल 3, हाँ ये है बाइसेल लेवल 3, इसमें R1 बाई का एंट्री लेवल है और S1 सेल का एंट्री लेवल है, ये पिवट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, मिड बैंड, प्राइस चैनल का अपर बैंड, मिड बैंड, टीरन लेवल का अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड, ये भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लिख सकते हैं। ये है गान एंगल्स का, सर ये गान डिग्रीज का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, इसमें ये भी बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। यह है गान स्क्वायर ऑफ 9, कोई भी लेवल आप लोग अपना सकता है और ट्रेड कर सकता है। और ये है मुरेस मैथमेटिकल्स लेवल्स, इसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट सपोर्ट बीच में रहता है। उसके बाद ये गैप अप गैप डाउन को जरूर कंसीडर कर लेना है, लाइव मार्केट में भी अपडेट करना पड़ता है इसको, और सभी को अपडेट करना पड़ेगा, तो जब अपडेट करेगा तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो एंड ऑफ द डाटा देता है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। एनीवे तो इसीलिए आप लोग को आइदर कॉल सर्विस लेना है, नहीं तो सीख लेना चाहिए, और मैं तो एम्फेसिस करूँगा कि आप लोग इतना कम कॉस्ट में इसको सीख लीजिए, तो कि आप लोग को इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और ये देखिए इसमें कैसे ट्रेड करना है, 605 और 612 के बीच में आएगा तो ऊपर लेना है, 605 से 599 के नहीं तो नीचे लेना है, ऐसे करके सोच लीजिए। इधर छः सौ बयासी के 676 के अंदर है तो ऊपर ट्रेड लेना है, 669 के नीचे आए तो नीचे ट्रेड लेना है। उसके बाद एक टारगेट जब आ जाता है तो उसका सभी ऐसा नहीं है कि सभी बीच एक टारगेट लग गया उसके बाद दूसरा आ गया जगह दूसरा, ऐसा नहीं होता है, उसको लाइव मार्केट में अपडेट करना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट ओपनिंग में जो गैप अप और गैप डाउन आप लोग कंसीडर कर लेंगे तो आप लोग को मतलब जो इतना सारा लेवल्स मिल जाएगा, ये 4 स्टॉक्स मिल जाएगा, उसके बाद इतना स्टॉक्स इतना लेवल मिल जाएगा, मतलब मार्केट ओपन होने के बाद जो गैप अप और गैप डाउन कंसीडर करके आप लोग को एक ट्रेड आसानी से हो जाएगा, 3-4 स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में आप लोग को आसानी से हो जाएगा। तो ये आप लोग को फ्री में रेगुलर बेसिस पे मिलता है, तो ये आप लोग कर सकता है, ये आप लोग को इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसको लाइक कीजिए। और इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, बहुत सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा जो आप लोग को मार्केट ओपन होने के बाद मतलब आप लोग को गैप और गैप डाउन कंसीडर करके ठीक से आप लोग समझ के सोच समझ के देख लेंगे तो आप लोग को जरूर प्रॉफिट दिला जाता है, एटलीस्ट 95% के एक्यूरेसी के साथ इसका काम करता है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स का बाइसेल लेवल 1-2 चला गया, उसके बाद बाइसेल लेवल आप लोग पॉज करके देख ले सकता है। ये है बाइसेल लेवल 3 पिवट पॉइंट बोलिंजर बैंड, ये सब ये इसके बाद गान एंगल्स ठीक है, गान सपोर्ट रेजिस्टेंस, गान स्क्वायर ऑफ 9, मुरेस मैथमेटिकल्स लेवल्स, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ आप लोग देख ले सकता है। ये है 360 डिग्री एनालिसिस ठीक है, 360 डिग्री का फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फर्स्ट साइकिल का अपसाइड डाउन साइड, सेकंड साइकिल का अपसाइड डाउन साइड, थर्ड साइकिल का अपसाइड डाउन साइड, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये है कमोडिटी का लेवल, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, जो लोग कमोडिटी पसंद करता है वो भी काम कर सकता है। आप लोग एक दिन कोई किसी दिन एक्चुअली कमोडिटी में मैंने लाइव नहीं दिखा पाता हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम नहीं करता हूँ, लेकिन जिन लोग का ज़रूरत होगा तो मैंने जरूर दिखाऊंगा, आप लोग डेमो देख सकता है, और कॉल लेना चाहता है तो कॉल भी देख सकता है, और आप लोग को इसका टेक्निक सीखा मतलब जो बाइसेल लेवल कैसे निकलता हूँ उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल में है, आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, उसमें आप लोग को सब पता चल जाएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और वीडियो का जो मतलब
वीडियोस का बहुत सारा इम्पोर्टेंट लिंक दिया है, इसीलिए उसको ज़रूर देखिए। और बहुत सारा इम्पोर्टेंट वीडियोस का जो है मेरा यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारा इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है वो आप लोग को ज़रूर देखिए, इसमें आप लोग को ज़रूर काम पे आएगा। और सोशल मीडिया में जो साइट्स है और जो लिंक्स है वो भी दिया गया है, वो भी उसमें भी मेरे को फॉलो कीजिए, ताकि आप लोग को पेज को पसंद कीजिए। तो इसमें आप लोग को जो जितना सारा नोटिफिकेशन मिलेगा, मतलब रेगुलर बेसिस पे बहुत सारा चीज़ मैंने पूरा डिस्कस करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्यूचर्स का लेवल दिखा देता हूँ, ठीक है। किसी एक लेवल फॉलो कर सकता है, नहीं तो अच्छा, इसमें मैंने 100 डे EMA स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ। 100 डे EMA स्ट्रैटेजी का जो है, 100 डे EMA स्ट्रैटेजी है, 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है कि जिस जिस कैंडल को, आज का कैंडल को, मतलब आज का डेली कैंडल को जब 100 डे मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज काट किया है, तो उसका हाई लो जब का ब्रेक करेगा तो ये अच्छा प्रॉफिट देता है। तो इसमें देखिए, इसमें CSC में हुआ है, कॉलपैल में दिखा रहा है, डाबोर में दिखा रहा है, और हिंदुस्तान लीवर में दिखा रहा है। ये सब देखिए, आप लोग को बहुत सारा चीज़ एक साथ मिल जाता है, तो इसमें सब फ्री मिलेगा। इसमें आर्बिट्रेज का परसेंटेज आप लोग को मिल जाएगा, जो लोग आर्बिट्रेज ट्रेड करना चाहता है इसका बेसिस पर इधर से मिल जाता है। और जो लोग पेयर ट्रेडिंग में करना चाहता है उसका भी इधर से आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा, अच्छी तरह से एकदम बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि एक दिन का हिसाब से कौन सा स्टॉक, पहले तो कौन सा कौन सा स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छा कोरिलेशन है वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने पेयर ट्रेडिंग का एग्जांपल भी मोस्टली रेगुलर बेसिस पे दिखाता हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन पेयर ट्रेडिंग आप लोग पेयर ट्रेडिंग को जो लोग आर्बिट्रेज फॉलो करता है, मैं बोलता हूँ कि उसको पेयर ट्रेडिंग को अपना लीजिए, पेयर ट्रेडिंग में करिए, इसमें आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो भी आर्बिट्रेज के तरह ही आए, थोड़ा सा आर्बिट्रेज के हिसाब से थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो सकता है, 1% 2%, लेकिन मोस्टली 60% प्रॉफिट दे सकता है। और इंटरडे में इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आर्बिट्रेज में पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए, इसमें क्लियरली आप लोगों को दिख जाएगा कि लॉन्ग एक दिन का हिसाब से, 2 दिन का, 7 दिन का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का, जो लोग डिलीवरी बेसिस पे भी करना चाहता है तो इसमें कर सकता है कि कौन सा पेयर का अंदर कौन सा पेयर को बाई करना है और कौन सा पेयर को सेल करना है, इधर से आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगा। और इसके बाद मैंने इंसर्ट द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाऊँगा। इसमें थोड़ा सा मेरा फाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, देखते हैं, देखा पाऊंगा तो दिखा देता हूँ, नहीं तो आज के लिए छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट डे को ये फाइल को मैंने ठीक कर लूँगा, उसके बाद सब इससे दिखाता हूँ, रोज ही दिखाता हूँ, लेकिन इससे फाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, इसका अलग से करा है लेकिन वो भी फाइल डिस्टर्ब करता है, इसका अलग से बनाया था अभी डिस्टर्ब करता है, थोड़ा सा इसका बड़ा हो गया वॉल्यूम, इसीलिए प्रॉब्लम करता है। इधर करने का कोशिश करता हूँ, ये अटक जाता है फाइल, वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स भी इधर ही है, तो शायद देखते हैं फाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, आप लोग भी देख सकते हैं, इतना बड़ा हो गया कि फाइल, इसीलिए इसका इतना सारा कैलकुलेशन है। तो इसका कैंडलस्टिक पैटर्न और
और जो वोलेटिलिटी बेस्ड और फिबोनाची बेस्ड लेवल्स हैं उसको थोड़ा सा अलग कर लूँगा, तो हो सकता है इसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डिले हो जा रहा है। देखिए आप लोग NR4 NR7 इधर से देखिए देख सकते हैं इसका नज़दीक जब स्टॉक को प्रॉब्लम होगा। इसमें ही मैंने वोलेटिलिटी बेस्ड जो लेवल्स है वो भी कैलकुलेट किया हूँ, तो वो भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, लेकिन फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। स्टॉक्स का नाम नहीं दिखेगा इधर कैंडलस्टिक, चलो इधर फिर स्पिन्स करके मैंने करना चाहता हूँ लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको अभी इधर ही ख़त्म करता है, आज इसको नहीं दिखा पा रहा हूँ इसलिए मैं भी चाहता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग को इसको दिखाने का कोशिश करूँगा, इसका दिखाऊँगा जरूर, दिखाने का कोशिश करूँ, मेरे को दिखाना है क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाना है, तो इसको मैंने थोड़ा सा सुधार लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने हर रोज़ ही दिखाता हूँ, आज नहीं दिखा पाता हूँ, उसके बाद फाइल में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, तो इसके बाद से फिर से मैंने इसको करेक्शन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए ये चाहता हूँ, धन्यवाद।